बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद तंजीला। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन टिक्का बिरयानी। ये इस कदर मजे की बनती है कि आप जब भी इसको बनाएंगे सारे घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बहुत खुश होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें। आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मटन को मैरिनेट कर लेंगे। 1 kg हमने लिया है मटन, 1 tablespoon हमें चाहिए सॉल्ट, 1 tablespoon हमें चाहिए रेड ग्रस चिली, 1 cup हमें चाहिए दही, 1 tablespoon हमें चाहिए लेमन जूस, 1 teaspoon हमें चाहिए कचरी पाउडर, 1 teaspoon हमें चाहिए फूड कलर, 1 tablespoon हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके अलावा हमें कुछ और स्पाइसेस चाहिए, 1.5 teaspoon हमें चाहिए जीरा, 1.5 teaspoon हमें चाहिए खुशक धनिया साबुत, 10 से 12 हमने लिए हैं ये काली मिर्चे साबुत, बादियान के फूल लिए हैं, लौंग लिए हमने 7 से 8, 5 लिए हमने छोटी इलायची, 2 लिए हमने बड़ी इलायची। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह पीस लेंगे। अब हम सारे स्पाइसेस को इस चॉपर में डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। हमने सारे स्पाइसेस अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम अपने मटन को मैरिनेट कर लेंगे। कचरी पाउडर लगा देंगे। कचरी पाउडर डालने से आपका मटन बहुत जल्दी गल जाता है। लेमन जूस ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे, ये अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अगर कम डालना चाहते हैं कम डाल लें, अगर ज्यादा डालना चाहते हैं तो ज्यादा डाल लें। फूड कलर ऐड कर देंगे, रेड क्रश चिली, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालें जितना आप पसंद करते हैं। अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही ऐड कर देंगे, साथ ही हम अपने ग्राइंड किए हुए स्पाइसेस डाल देंगे, बस थोड़ा सा बचा लेंगे, तकरीबन 1 teaspoon के करीब। हम अपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा सारा मटन अच्छी तरह मिक्स हो गया है। हम अब इसको 2 hours के लिए रख देंगे मैरिनेट करके। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फौरन से भी इसको पका सकते हैं। हमारे मटन को पड़े हुए 2 hours गुजर चुके हैं। अब हम इसको पानी डालकर अच्छी तरह पका लेंगे। हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने 1 tablespoon ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें मटन ऐड कर देंगे। और इसमें हम 3 cup पानी ऐड करेंगे, तो हम 3 glass ऐड करेंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। हम इसको 20 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। अब हम बिरयानी का तड़का रेडी कर लेंगे। 5 हमें चाहिए टमाटोज, कड़ी पत्ता चाहिए, 1 teaspoon हमें चाहिए जीरा, 1 teaspoon हमें चाहिए सॉल्ट, 1 teaspoon हमें चाहिए चिली पाउडर, थोड़े से लौंग लिए हैं 4 से 5, ग्रीन चिली चाहिए हमें 7 से 8, 1 cup हमें चाहिए फ्राई की प्याज, ये हमने आधी प्याज ली है कच्ची है ये, इसको फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा दही चाहिए। अब इसको तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने 1 cup ऑयल डाल दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, लौंग और जीरा ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा सोटे कर लेंगे, प्याज को हल्का सा कलर दे देंगे। अब हम टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम अपने ऑनियंस को ग्राइंड कर लेंगे और बाद में ग्रीन चिली को ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड कर देंगे अपने ऑनियंस में, मिक्स करेंगे। एक से दो मिनट तक फ्राई करेंगे इसको, फिर हम इसमें टोमेटोज ऐड कर देंगे। टोमेटोज ऐड कर देंगे, आपको टोमेटो ज्यादा चाहिए होंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी तरह बन जाए। टोमेटोज भी हम अपनी फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है,
मिक्स कर देंगे। साथ ही हम ग्रीन चीज डाल देंगे 3 से 4। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारे टमाटर की भुनाई हो चुकी है, अब उसमें 2 से 3 टेबलस्पून टीस्पून दही ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसकी दोबारा से भुनाई कर लेंगे। हमारा ये मिक्सचर फिर रेडी होगा। 2 मिनट्स हो गए हैं, हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। अब इसको उतार लेंगे और अपने राइस बॉइल करेंगे। हमारा मटन अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखिए। हमने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपना जो पहले से मसाला बना हुआ है उसमें ऐड कर देंगे, तड़का ऐड कर देंगे जो पहले हम बनाया हुआ था। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे, कवर कर देंगे। 1 किलो हमने राइस लिए हैं, इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। हमने लिए हैं बादियान के फूल 3 लिए हैं, लौंग लिए 3 से 4, थोड़ा सा जीरा लिया है, 1 टीस्पून हमें चाहिए सॉल्ट। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। एक पतीला ले लिया है, इसमें हमने पानी डाल दिया था, पानी जोश आ चुका है। इसमें बादियान के फूल डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, सॉल्ट और लौंग भी डाल देंगे। पानी की जोश आ चुका है दोबारा से, अब इसमें राइस ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। राइस हमारे बहुत ही अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं। हमने इसमें बादियान के फूल डाले थे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमने राइस की एक कली छोड़ दी है, ये देखें, फुल बॉईल नहीं किया इनको। अब हम इसके लेयर्स लगाएंगे। हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम राइस डालेंगे। हमने राइस की लेयर्स लगा दी है, अब हम इसके ऊपर टिक्का मसाले की लेयर लगाएंगे। हमने अपने टिक्के मसाले को जो हमने ग्रेवी बनाई थी इसी में डाल दिया था। इसी तरह हम सारी लेयर्स लगाते जाएंगे। जी तो हमने दोनों लेयर्स अप्लाई कर दी हैं, अब हम इसके ऊपर पुदीना लगा देंगे। इससे आपका खाना जल्दी हजम हो जाता है। धनिया लगा देंगे, लेमन कटे हुए, ग्रीन चिलीज साबुत, और ये फूड कलर है, इसको हमने दूध में मिक्स कर दिया है, ये लगा देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसको और 10 मिनट्स के लिए इसको दम पर लगा देंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी सी बिरयानी रेडी हो चुकी है, हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो हमारी मटन टिक्का टेस्ट दुबाला कर सकते हैं। अगर आप कबाब पहले से बना के रख लेंगे तो आपकी बिरयानी फटाफट रेडी हो जाएगी। ड्राई कर लिया है वॉश करके, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, नमक 1 टेबलस्पून या हसबी जायका, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा तकरीबन 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 5 ग्रीन चिलीज जिसको मैंने अच्छी तरह फाइन चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा धनिया।
एक फ्राई की हुई और ग्राइंड की हुई प्याज, लेमन जूस, एक अंडा जिसको मैंने फेंट दिया है। अब हाथ की मदद से इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। फोर से फाइव टेबलस्पून इसमें बेसन या फिर मकई का आटा ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम इसमें मजीद ऐड कर लेंगे। हमने इसमें वन टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड किया है और वन टेबल स्पून घी, बटर या और कुछ भी आप डाल सकते हैं। फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टू टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर मजीद ऐड किया है, तो अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसके सीख कबाब रेडी करेंगे। इसके कबाब छोटे छोटे बनते हैं, आप चाहें तो आप एक दिन, दो दिन या फिर जब जितने दिन चाहें आप इसके कबाब पहले रेडी करके रख सकते हैं, और जब गेस्ट आए या किसी की दावत करनी हो तो फौरन से इसको निकाल लें और बना लें। ये कबाब बहुत बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते। ये देखिए हम इतने इतने सारे रेडी कर लेंगे। अब इन कबाबों को बनाने के लिए आपको किसी चॉपर की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो भी चीजें डाल रहे हैं उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और इसमें शामिल करते जाएं। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। आप लोग इन कबाबों को अभी से बनाकर रख सकते हैं ताकि रमजान में अगर किसी की दावत करनी है या फिर वैसे अपने लिए खाना है तो आप आराम से इनको निकालें, फ्राई करें और बिरयानी रेडी कर लें। इसी तरह सारे रेडी करते जाएंगे। सारे कबाब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अब इनको फ्राई कर लेंगे। एक पैन लिया हमने, इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। सारे कबाब हम इस तरह रखते जाएंगे। ये कबाब बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, बस इनको थोड़ा बनाना मुश्किल लगता है, फ्राई तो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। बस इनको बना के फ्राई करके रख लें, जब चाहें बिरयानी का मजा उठाएं। एक से दो मिनट बाद हमने इसको पलटा है, इसके ऊपर लाइट सा कलर आ गया है। इसी तरह हम सारे पलट देंगे और इसको 1 से 2 मिनट मजीद कुक कर लेंगे। 2 मिनट बाद हमारे जो कबाब हैं वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। और अपना मसाला रेडी करेंगे। एक पैन लिया है हमने, इसमें हमने 1 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी, 2 लौंग डाल देंगे, 1 तेजपत्ता डाला है, चंद साबुत काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा जीरा डाल के थोड़ा सा फ्राई किया है। इसके बाद हमने 3 बड़ी अनियंस डाल दिए हैं। इसको हम लाइट ब्राउन कलर दे देंगे। हमारा जो प्याज है वह यहाँ पे फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। आधा जो प्याज है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। 1 कप दही लेंगे इसके, उसमें हम डाल देंगे प्याज, उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब जो ऑयल है इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे। इस ऑयल में मिक्स कर लेंगे इसको। और इसमें 1 टेबलस्पून डाल लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड ग्रेस चिली, 1 टेबलस्पून नमक। इसमें हम ज्यादा स्पाइसेस यूज नहीं करेंगे, बस घर के यूज करेंगे। 4 से 5 ग्रीन चिलीज डाल लेंगे जिनको मैंने अच्छी तरह फाइन चॉप कर लिया है। इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो आपका फ्लेम है वो स्लो पे होना चाहिए, वरना जो आपके स्पाइसीज है वो जाते ही जलने लग जाएंगे। सबको 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर,
छह टमाटर लिए हैं मैंने, जिसको मैंने पान चौप कर लिया है। बिरयानी में टमाटर बहुत अच्छे जायका देते हैं। अब इनको हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। ये जो प्याज है इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और उसको एक पेस्ट फॉर्म में लेंगे। हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम डाल देंगे। एक कप हमने दही लिया और प्याज डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, जैसे कोई कोरमे में करते हैं बिल्कुल इसी तरह ही। इसको अब मिक्स कर लेंगे इस मसाले में और इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। इसको 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे बिरयानी मसाला, ताकि बिरयानी का अच्छा फ्लेवर आए। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे इमली। आप लेमन जूस डाल सकते हैं या अपनी सिरका भी डाल सकते हैं, जो चीज आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। और इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा बहुत ही अच्छा मसाला रेडी हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब इसमें हम कबाब डाल देंगे। कबाबों को आपने कुक नहीं करना, बस इसमें हल्का सा दम लगाना है। अब इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। यहां हमने एक पॉट लिया है, इसमें हमने खुला पानी डाल दिया है और खड़े मसाले डाल दिए हैं। साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मजीद ऐड करेंगे। इसमें हमने 1 kg राइस डाल दिए हैं और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। हमारे जो राइस है इसको हमने एक कैनी से निकाल लिया है। पानी को हमने अच्छी तरह स्ट्रेन कर दिया है। आपने इसको फुल कुक नहीं करना, बस एक कैनी छोड़ देनी है। यहाँ पे जो हमारा जो मसाला है इसमें से हम कबाब को निकाल लेंगे। इस तरह हमने आपने उठा के निकाले हैं ताकि टूट ना जाए। अब हम इसको असेंबल कर लेंगे। एक हमने पहले मसाले के लिए लगाई, इसके ऊपर हमने व्हाइट राइस की लगा दी है। इसके ऊपर फिर से मसाला डालेंगे। हमारे घर वाले मसाला ज्यादा पसंद करते हैं बिरयानी में, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा मसाला बनाया है। अब इसके ऊपर मजीद लगा देंगे व्हाइट राइस की, फ्राई की हुई अनियंस डाल देंगे इसके ऊपर जो मैंने पहले बचा के रख ली थी, हरा धनिया डाल देंगे। परफेक्ट तरीके से हम इसको असेंबल करेंगे। अब इसके ऊपर पुदीना डाल देंगे, लेमन की स्लाइस। अब इसके ऊपर टमाटर भी डाल देंगे, ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे। इस तरह लंबा लंबा मैंने काट लिया इसको। अब इसके ऊपर कबाब जो है वो अच्छी तरह संभल के रखेंगे, आस्ता आस्ता रखेंगे। ये बिरयानी बहुत जल्द रेडी हो जाती है और बहुत मजे की बनती है। अब इसके ऊपर एक कलर डाल देंगे और इन कलर कहेंगे इसके ड्रॉप्स डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारी, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बिरयानी रेडी हुई है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। जी तो हमारी बहुत ही जबरदस्त बिरयानी रेडी हो चुकी है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और टेस्ट भी किया है, बहुत ही मजे की बनी है। आप लोग इसको जरूर किचन विद तंजीला। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन मैरिनेटेड दम बिरयानी, जो कि आप घर में बासानी और बहुत ही जल्द बना सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें। मैरिनेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने 1 kg लिया है चिकन, 5 टोमेटोज लिए हैं जिनको हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए रेड ग्रेस चिली, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए नमक, 1.5 टीस्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर, 1 कप दही, 3 हमने लिए थे अनियंस जिनको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, 1 लिया लीमू,
फाइव से सिक्स हमने ली है ग्रीन चिलीज, पुदीना लिया है, वन एंड हाफ टेबल स्पून हमें चाहिए बिरयानी मसाला, फाइव हमने लिए हैं आलू बुखारे, धनिया लिया है। अब अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे, हमने इसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, बिरयानी मसाला, आलू बुखारे, नमक, पुदीना थोड़ा हम रख लेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, अनियंस, रेड ग्रेस चिली, पुदीना इसको हम थोड़ा सा डाल लेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, लीमू ऐड करेंगे इसमें, इसे हम सीड्स निकाल लेंगे, टोमेटोज भी ऐड कर देंगे इसमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज। हम सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने अपने चिकन को एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह बिरयानी बनाने से आपकी बिरयानी बहुत ही जल्द बन जाती है। या आप कहीं मार्केट जा रहे हो तो आप अपनी चिकन को मैरिनेट कर दें, आके फटाफट बिरयानी बना सकते हैं। या आप एक दिन पहले भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं और दूसरे दिन भी बिरयानी बना सकते हैं। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, फिर अपनी बिरयानी रेडी करेंगे। हमारे चिकन को पड़े हुए 4 से 5 आवर्स गुजर चुके हैं। अब हम इसको कुक करेंगे। एक पैन लिया है हमने, इसमें हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, दालचीनी, 20 काली मिर्चें, कड़ी पत्ता। सब चीजों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट। हमारे स्पाइसेस फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे। हमने अपने चिकन को स्लो फ्लेम पर 10 मिनट कुक कर लिया है। ये देखिए, ये अच्छी तरह कुक हो गया है। अब हम अपने राइस को बॉईल कर लेंगे। एक पैन लिया है हमने, इसमें हमने खुला पानी डाल दिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें जीरा भी डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब। अब हम इसमें अपने राइस डालेंगे। 1 किलो हमने राइस लिए हैं, जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, इसमें डाल देंगे। और इसको बॉईल कर लेंगे और 1 कली इसकी छोड़ देंगे। हमारे राइस बॉईल हो गए हैं, 1 कली रह गई है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। राइस का सारा पानी हमने निकाल लिया है, इसकी 1 कली रह गई है। अब इसका दम लगाएंगे। एक पतीला लिया है हमने, इसमें हमने एक राइस की लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर कौरमे की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिर राइस की लेयर लगाएंगे।
अच्छी तरह लगाते जाएंगे। राइस की लेयर्स लग गई हैं, अब हम इसके ऊपर तली हुई प्याज डालेंगे। नींबू डालेंगे, ग्रीन चिलीज, पुदीना और धनिया जो थोड़ा सा हमने फ्रीज करके रखा हुआ था, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और कलर है हमारे के पास जर्दा कलर, इसको हमें थोड़ा सा दूध में डाल के रखा हुआ है ये डाल देंगे। अब इसको दम लगाएंगे 10 मिनट्स के लिए, हम इसको दम पे लगा देंगे। 10 मिनट्स हो गए, अब इसको चेक करेंगे, हमारी बिरयानी रेडी है, ये देखें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। और इसको डिश आउट करेंगे। हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें फ्रेंड। रेस्टोरेंट स्टार बिरयानी, और आपको बताऊंगी कि इतना परफेक्ट कलर कैसे आता है। बहुत ही ज्यादा यमी, बहुत ही ज्यादा लाजवाब, वो भी किसी रेडीमेड बिरयानी मसाले के बगैर। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। पहले हम एक खाली पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ ग्लास पानी, और इसमें डाल देंगे 2 अदद बड़े साइज में कटिंग के स्लाइस, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कटा जीरा, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो आप फ्रेश मिल्क यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पाउडर यूज कर रही हूँ। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। आप इसमें डालेंगे 1 kg चिकन, या आप जितना चाहे यूज कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया ये, और अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसको कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये कुक हो चुका है, और इसको अब ढक के एक साइड में रख देंगे और इसका तड़का रेडी करेंगे। 1/2 कप ऑयल ले लेंगे, इसमें हम अब डालेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, छह से 7 लौंग, 10 से 20 काली मिर्चे साबुत, 1/2 टीस्पून जीरा, और इन सब चीजों को अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे ताकि जो इन स्पाइसेस के फ्लेवर हैं वो ऑयल में आ जाएं। अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता ताकि इसके फ्लेवर भी ऑयल में आ जाएं। 1 टेबलस्पून रेड कलर चिली, 1/2 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर, नमक हसबे जायका या 1 टेबलस्पून जितना आप चाहें आप यूज कर सकते हैं। और इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो आपका मीडियम टू लो पे होना चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पे कुक करने से आपके जो स्पाइसेस हैं वो बर्न हो सकते हैं। ये कुक हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे टोमेटोज, ये 4 से 5 अदद हमने लिए हैं मीडियम साइज के। आप टोमेटो पेर भी यूज कर सकते हैं, जिस चीज को आप चाहे आप यूज करें। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, और सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो टोमेटोज आपको नजर आ रहे हैं सॉफ्ट हो जाएं, हमने 1/2 कप पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दही, और मसाला अच्छी तरह रेडी कर लेंगे। यकीन माने ये बिरयानी बहुत ही ज्यादा मजे की बनती है। इसमें आपको रेडीमेड जो बिरयानी मसाला हम यूज करते हैं वो डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा मजे का होता है। ये जो मसाला है हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही परफेक्ट बना है। अब इसको हम डाल देंगे चिकन में। चिकन में हमने 3 से 4 चीजें डाल के इसको 1/2 कुक किया हुआ है।
अब हाफ हम इस ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो कुक हो जाएगा। ये जो पानी आपको नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये इस पानी की को हम ऑयल में अच्छी तरह कुक कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट हम इसमें कुक करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 साबुत लाल हरी मिर्चें। पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। ये बिरयानी बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनती है। पानी यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाला हमारा जबरदस्त रेडी हो चुका है। अब हम वो चीजें देख लेते हैं जो हमने दम में लगानी है। वो मैंने रख ली है यहाँ पे। फ्राई की हुई प्याज ली है, ग्रीन चिलीज ली है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं और साथ में लिया है लेमन के स्लाइस। यहाँ पे मैंने खुले मुंह के बर्तन में खुला पानी रख दिया है। इसमें 1/2 कप नमक डाला है, ऑयल डाला है, जीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाला है और इसमें डाल देंगे राइस, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। अब राइस को जोश आने देंगे इसमें, फिर इसको स्टैंड कर लेंगे। एक कनी आपने छोड़ देनी है, वो हम जब दम लगाएंगे उसमें कुक होगी। राइस को जोश आ रहा है, अब इसको स्टेन कर लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। एक लेयर मैंने लगा दी है राइस की। अब इसके ऊपर हम चिकन की लेयर लगाएंगे। हमारा मसाला जो है बहुत ही ज्यादा मजे का बना है। चारों तो हम चिकन की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर जो बचे हुए राइस है वो डाल देंगे और अब इसके ऊपर पुदीना और धनिया लगा देंगे, लेमन के स्लाइस लगाएंगे, हरी मिर्ची लगाएंगे इसके ऊपर। और अब इसमें हम कलर डालेंगे। ये मैंने ऑरेंज और रेड कलर मिक्स करके इसमें डाला है, क्योंकि रेस्टोरेंट में बिल्कुल इसी तरह डाला जाता है कलर, ताकि परफेक्ट कलर आ सके। साथ ही हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे ताकि इसकी अच्छी से खुशबू आए। और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे सिरका और इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और बिरयानी जो है हमारी परफेक्ट कुक हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल दानेदार, जिस तरह के रेस्टोरेंट में होती है, बहुत ही ज्यादा लजीज। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा यमी बनी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। लीजिए हमारी बहुत ही ज्यादा मजे की, बहुत ही लाजवाब बिरयानी रेडी है। एक तरह दफा ट्राई करता हूँ तो बनता है, बहुत ही ज्यादा मजे की बनी है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।